7-8 months हो गए, तुमने कुछ भी नहीं किया, एक दफा उसका हाथ भी नहीं पकड़ा. You didn't talk about love, you didn't talk about anything that could spark. And now you're thinking कि मैं confess कर दूँ. 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता भाई. You have to be that dominant, that manly person. ठीक है, लड़कियाँ बड़ा कहती हैं, हो हमें बड़ा पसंद है जो बड़ा friendly होता है, हमें flowers ला के देता है, treat अच्छा chocolate. भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है. दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने एक बात डिस्कस करनी थी बिफोर वी मूव ऑन. वो ये थी कि पिछले व्लॉग में ना मैंने टैंक टॉप पहनी हुई थी, तो मेरे थोड़े से ना आर्म पिट हेयर थे ना, यूं करके आ गए नजर. ठीक है, तो जी लोग शुरू हो गए, और मूसा भाई हाइजीन का तो ख्याल रखो. अबे सालो डोरेमोन जैसी तुम्हारी मूछे हैं, शुरू हो गए बातें करना. दूसरा, द रीजन मैं ये चीज कम्प्लीटली शेव ऑफ नहीं करता, आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल माइट डिसएग्री विद इट, बट यू नो यू डोंट हैव टू. किसी बंदी को आज तक मसला नहीं हुआ, मेरी बीवी को आज तक मसला नहीं हुआ. तुम कौन होते हो मसला करने वाला, क्यों तुमने मेरी बगलों में सोना आके हैं. भाई मेरे साथ बता क्या हुआ था, मैं बताता हूँ. मैं भी आप लोगों की तरह क्लीन ब्लेड मार के शेव करता था एवरी वीक. हुआ क्या कि मेरा पहला सेमेस्टर था वेस्ट टेक्सास A&M, जो मेरी यूनिवर्सिटी होती थी ना, तो मैं अमेरिका नया नया आया था, तो हम स्विमिंग करने गए सारे दोस्त वगैरह, उसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, ग्रुप था पूरा बड़ा ना. तो जब सबने शर्टे वर्टे उतारी ना, तो लड़कों के बाल थे नजर आ रहे थे आर्मपिट, और मैंने कहा तुम आर्मपिट नहीं शेव करते, देखो मेरे कितने शेव हुए हैं, ये चेक करो जरा. लो जी लो, मेरा मजाक उड़ा है. उफ बॉयज एंड गर्ल्स, मैं क्या बताऊं. मैंने कहा तुम गे हो, तुम आर्मपिट शेव करते हो. बेसिकली जैसा देश वैसा बेस. अमेरिका में यू डोंट डू इट. अमेरिका में 90% ऑफ मर्द, दे डोंट कम्प्लीटली शेव देयर आर्मपिट ऑफ. मैं जिम पे भी जब जाता हूँ, जिन्होंने टैंक टॉप पहना होता है, किसी का शेव नहीं होता यहाँ से. देख लो दोबारा बगलों के बाल. Anyways, boys and girls, अभी मैं गैस स्टेशन पे आया हूँ, तो जल्दी से गैस दिलवा लूँ, फिर आगे बात कंटिन्यू करते हैं. आज हमने बात करनी है रिलेशनशिप, और इस तरह यू नो अपने बॉय सिंप हो जाते हैं किसी लड़की के लिए. इस पे हम बात करेंगे टॉपिक पे, और बेसिकली आई विल गाइड यू और आई विल टेल यू कि क्या सी चीज, कौन सी चीज आपने करनी है और कौन सी चीज आपने अवॉइड करनी है. तो एक सिनेरियो एक मुझे लड़के ने भेजा था इंस्टाग्राम मैसेज पे, जिसको मैं अब सारा आज कवर करूंगा, डिस्कस करूंगा. विद दिस सिचुएशन अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, सारों की कहानी है जो मैंने देखी है. तो दिस वीडियो माइट बी अ रियली गुड हेल्प फॉर यू, एंड सो लड़कों के लिए नहीं, लड़कियां भी देखें, क्योंकि लड़कियों को भी रियलाइज होगा कि व्हाट एक्शंस दे आर डूइंग दैट आर हर्टिंग देयर मैन. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लड़के और लड़कियां रिलेशनशिप्स उन चीजों में स्ट्रगल करते हैं, एंड देन यू नो दे कैन नॉट फाइंड अ गुड पार्टनर, और शादी मन को आगे मसले होते हैं, ये वो चीजें होती हैं. तो वी विल टॉक अबाउट दिस, लेकिन पहले मैं जरा काम पे चला जाऊं, ये चीजें निपटा लूं सारी, फिर घर जाके जो अब लाइट्स वगैरह अच्छी आई ना, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखी होंगी, उसमें अच्छी लाइट में बैठ के इसको आंसर करेंगे सारा आज इंशाल्लाह. ठीक है, that same evening. अब सीन ये कि मुझे एक लड़के का मैसेज आया था, काफी लंबा मैसेज आया था अबाउट अ गर्ल. तो ये मैसेज हम साथ पढ़ते हैं जल्दी से. इंटरेस्टिंग वन, एंड इट रिलेट्स टू अ लॉट ऑफ द किड्स. बहुत बच्चों की, लड़कों की और लड़कियों की स्टोरी से रिलेट करता है. अस्सलाम वालेकुम ब्रो, एक सीन हो गया है, आई नीड योर एडवाइस. सिनेरियो, I was having some feelings for a girl. We spent 7-8 months together. I went on lunch and tea breaks, etc. After spending this time investing my time, energy and emotions on her, I now think that she is not interested. The moment I realized this, I pulled back immediately without giving her cues of it. At the same time, she spent time with her other fellows. Pehle red flag udhar aa gaya. Anyways, seeks their attention and enjoys being with them. She seems to be interested in another dude. Oh lo. I didn't confess my feelings to her. Okay, that's good. 7-8 mahine se क्या कर रहे थे. The thing is, I have to spend another year with her in a hospital for internship. अच्छा मैं गलत, अल्लाह माफी दे, हॉस्पिटल, in a hospital for internship. अच्छा तो हॉस्पिटल में इंटर्नशिप है इन दोनों की, और he has to spend time with her internship में. ठीक है, now I have some questions regarding handling the situation. How should I behave in this situation for next year and onwards? Question number one. Number two, should I tell her my feelings or not? Number three, how can I know that she is into me because she still teases me about other girls, spend time with me, especially whenever she wants to eat something and she tries to plan for lunch or just go to the restaurants. I'm confused because मैं मुझे कुछ बातें याद
आती हैं हाय अल्लाह। सोचता हूँ मैं हर घड़ी, सोचता हूँ कि मैं गलत तो नहीं पीछे छोड़ना भी चाह रहा हूँ और नहीं भी। I'm exhausted. How can I deal with the guilt that I had feelings for her but she didn't? Let's cover his situation first and then I'll give you some tips. Free game. I'm your big brother. I know this shit. Okay. पहली बुरी सिचुएशन ये है कि 7 से 8 महीने तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम लंचेस पे जा रहे हो, तुम टी ब्रेक्स पे जा रहे हो, तुम सारा कुछ कर रहे हो, अभी तक फीलिंग्स कन्फेस नहीं हुई। मतलब क्या हो रहा था? देयर वाज नो एनर्जी। लाइक क्या कर रहे थे तुम एक दूसरे के साथ? एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, जुकते मार रहे थे, मतलब बड़ी बड़ी अलग एक्सपीरियंस था। कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई कनेक्शन कुछ तो होगा ना, कोई गलती से हाथ टच हो गया होगा। बाय द वे ये बहुत इनके फूल वाला फोन मेरा नहीं, मेरी वाइफ का। आप कह रहे एडवाइस दे रहे डेटिंग की, खुद देखो साला 7-8 महीने से भाई क्या कर रहे थे तुम। मतलब कोई टच हुई होगी, कोई घुटने लगे होंगे, कोई छप्पी डली होगी, कंट्रोल। 7-8 months हो गए, तुमने कुछ भी नहीं किया, एक दफा उसका हाथ भी नहीं पकड़ा। You didn't talk about love, you didn't talk about anything that could spark. And now you're thinking कि मैं confess कर दूँ। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता भाई, तू 7 से 8 महीने में यही नहीं बता पाया उसे कि confess करूँ कि ना करूँ। The red flag of this girl is that तुम उस पे पैसे लगा रहे हो dates पे। I assume you're taking her out to dates and like the time and energy you can do to probably अपनी पढ़ाई पे या कोई productive चीज पे लगा सकते थे, वो सारा तुमने उस पे waste कर दिया, अपनी energy सारी उसे दे दी। And yet she enjoys the company of other fellows, boys and girls. That's the biggest red flag right there. But then again, I'll play the devil's advocate. If you were not bold and honest from the start that you had feelings for her, then obviously she's gonna go here and there. दूसरे fellows के पास जाएगी, ठीक है? पर तुमने खुद ही कहा she seems to be interested in another dude. I didn't confess my feelings to her. Boys and girls, एक चीज याद रखना, जिंदगी में sixth sense जो होती है ना, बड़ी strong चीजें होती हैं. Sometimes you know in your heart that if she's interested or he's interested in you. What happened is mind कहता, mind games play करता. नहीं, ऐसा हो सकता है, शायद उसने अपना फोन नहीं देखा होगा, शायद टॉयलेट पे बैठी पॉटी कर रही होगी। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, हर वक्त सारे अपना फोन देख रहे हैं। अगर वो तुम्हें इग्नोर मार रही है या बंदा तुम्हें इग्नोर मार रहा है, just that they're not interested, ठीक है? बात खत्म, सीधी सी बात है। The thing is, I have to spend another year with her in a hospital for internship. That's good. इस पे बाद में आते हैं कि why that's good. If other fellows mean she is has a lot of male friends, ठीक है, और उसकी कोई female friends नहीं है, that is a big red flag. Because अगर तुम इस relationship में आ भी जाओगे, she'll constantly hang around those dudes. What if you wanna marry this woman, right? फिर ये तुम्हें यही कहेगी कि यार तुमने मेरे से शादी करनी है लेकिन मैं अपने सारे लड़के दोस्तों से मिलूंगी। Obviously that's not a good thing. अब बहुत सी महिलाएं जो फेमिनिस्ट शायद मेरी कुछ देखती हैं इस पर डिसएग्री करेंगी, बट यू नो एक रिस्पेक्ट की बात होती है। Obviously लड़के से भी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो लड़कियों के ग्रुप में जाके घूमे, इट्स द सेम थिंग। हाउ शुड आई बिहेव इन द सिचुएशन फॉर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स? आई थिंक यू शुड टोटली कट हर ऑफ, ठीक है, एंड मूव ऑन। अगर 7 से 8 months में तुम कुछ नहीं कर पाए ना, अब तुम कुछ करोगे ना तो इट वुडंट इवन मैटर, क्योंकि ना उसने ना तुम्हें फ्रेंडशिप के डब्बे में डाल दिया है, भाई वाले डब्बे में ऑलरेडी डाल दिया है, बिकॉज यू नेवर क्रिएटेड दैट रोमांटिक स्पार्क। या मैन, इट्स ऑलरेडी टू लेट। अब तुम जो भी कर लो उसको यू नो एक ही होगी तुमसे, ठीक है? और अगर तुमने कन्फेस कर दिया देन योर फ्रेंडशिप विल एंड। तो इंसान की तरह इसको छोड़ो, लड़की को। 4 बिलियन और लड़कियां हैं, रोज मैं जिम में जाता हूँ, मुझे इतनी लड़कियां नजर आ जाती हैं, ठीक है, चलती फिरती। आज सेलिना है, कल टीना है और परसों मीना है, कभी आयशा है, कभी फातिमा है, लिस्ट गोज इन ऑन। तुमने अभी दुनिया नहीं देखी, टेंशन ना लो, इन चीजों के बारे में ना सोचो। अपने पर्पस को, जो तुम्हारा लाइफ में पर्पस क्या है उस पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में भी पर्पस क्या है, आई नीड टू मेक दीज वीडियोस एवरी डे, आई नीड टू वर्क हार्ड, काम पे वर्क हार्ड करता हूँ, जिम पे मेरा फोकस होता है, हेल्थ पे, फैमिली पे मेरा फोकस होता है, ठीक है? सो दैट आर माई प्रायोरिटीज। तुम्हारी प्रायोरिटीज भी कुछ डिफरेंट हो सकती है, उनको पहले रखो, उनमें कामयाब होगे तो ये चीजें बाद में खुद ही फ्लो करेंगे। शुड आई टेल हर माई फीलिंग्स और नॉट? अगेन गोज बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, नो। कभी भी मर्द जो होता है ना वो अच्छा नहीं लगता अपनी लड़की को ना फीलिंग्स कन्फेस करते हुए पहले। अ गर्ल शुड लुक अप टू यू, यू शुड नॉट लुक अप टू अ गर्ल। ऑलवेज लेट हर एस्क द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई इन अ बिट। हाउ कैन आई नो दैट शी इज इनटू मी? बिकॉज शी स्टिल टीजेस मी अबाउट अदर गर्ल्स, स्पेंड टाइम विद मी, शी इज जस्ट एंजॉयिंग योर फ्रेंडली एनर्जी, रादर शी इज जस्ट एंजॉयिंग योर वैलिडेशन, मेल वैलिडेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, जो उनको इंस्टाग्राम से सिम से भी मिल जाती है, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है ये लड़कियां अपनी इतनी इतनी सेक्सी सेक्सी पिक्चर्स क्यों लगा रही थी इंस्टाग्राम? Do you think that जो सारे उनको मेल्स फॉलो कर रहे हैं उनको वो टाइम ऑफ द डे भी देंगी? नहीं, बट ऑल दोज मैन दे आर गिविंग हर वैलिडेशन एंड दैट्स द सेम काइंड ऑफ वैलिडेशन शी इज गेटिंग फ्रॉम यू एंड ऑफ कोर्स फ्री लंचेस। तो बीच में तुम्हें कह देगी दो लड़कियों की बातें तो वो तुम्हें घुमा रही है ब्रो, वो तुम्हें चला रही है, तुम्हारे ऊपर ना स्ट्रिंग डाल के ना पपेट की तरह हिला रही है, तुम हिली जा रहे हो। एज अ बिग ब्रदर मेरा सजेशन है, दुनिया में और भी बहुत लड़कियां हैं, ठीक है? इस पे तुमने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर लिया, आई नो, बट छोड़ दो, कुछ नहीं होता, थोड़ा दुख होगा, हार्ट ब्रेक होगा, लेकिन यू नो वो मुन्ना भाई का गाना याद है ना, अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या इसी तरह जिंदगी चलती है, ठीक है? तुम कह रहे हो कि द थिंग इज द इंटर्नशिप पे मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। भाई क्यों रहना पड़ेगा उसके साथ?
साथ। पहली बात ये कि अगर तुम्हारी इंटर्नशिप उसके साथ हो रही है, लेवल योर सेल्फ अप, ठीक है, जिम ज्वाइन करो, ठीक है, अपनी बॉडी शॉडी बनाओ, कीप योर हेल्थ इन चेक, कपड़े अच्छे नीट और क्लीन पहन के जाओ, ठीक है, प्रेजेंटेबल तुमने लगना है रोज इंटर्नशिप पे जाके, उसको तुमने कम मुंह लगाना है, ठीक है, बी दैट शाइनिंग लाइट इन द इंटर्नशिप, ठीक है, तुमने सबसे कनेक्शन बनाने, दोस्तियां बनानी है दूसरे लोगों से, दूसरी लड़कियों से, अगर वो तुम्हारे साथ टेबल पे बैठी हुई है, यू नॉट गोना लुक हर इन द आई एंड टॉक टू हर, इधर उधर बात करनी है, सामने बैठी हुई है, इससे बात करो, उसको तुम मुंह नहीं लगा रहे, वो कोई सवाल पूछे तो इनडायरेक्टली तुमने जवाब दूसरे बंदे को देना है। ब्रो, अगर तुम्हारा काम पहले नहीं बना था ना तो अब बन सकता है, ये मैं तुम्हें फ्री गेम प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, लड़कियों को अटेंशन बहुत पसंद होती है, ये भाई का एक्सपीरियंस है, तो जिस बंदे से तुमसे उनको कॉन्स्टेंटली अटेंशन उसको मिल रही थी, अब उसको नहीं मिलेगी, तो जो आग उसे वब लगेगी ना, आई एम टेलिंग यू दिस इफ यू स्टिल वॉन्ट टू बी विद द सेम गर्ल, वैसे मैं कहूंगा कि तुम कंप्लीटली इग्नोर करो, दफा करो, ठीक है, शी इज नॉट वर्थ योर टाइम, थिंक ऑफ योर सेल्फ इन योर माइंड दैट यू आर अ हाई वैल्यू पर्सन, already you're already there, bas ab tumne na certain actions lene towards that goal, which means that you go to gym, you take care of your health, you start finding a way to make money, you start dressing up nice. Yaar aajkal maine thumbnail ke liye naya ladka choose kiya hai, theek hai, 17 saal ka hai wo ladka, 17 saal ke aur usne pichle mere 3-4 thumbnails dekho kaise bana raha hai, and I'm not his only client, habibian bhi uska client hai, theek hai, he found out a way to make money, he's doing great and mashallah usne aapko maintain bhi kiya hua hai, so wo ladkiyon ko nahi chase kar raha, wo bag ko chase kar raha hai, theek hai, boys and girls seedhi se you will never lose women when chasing money, but you will lose money and women when you're chasing women. So main tumhe keh raha hu ki chase apni priorities badal lo, zindagi mein bahut khush ho gaya. I know this is not the advice you were looking for. Tum probably chahte main tumhe koi meethi goli aisi dun. You have to be that dominant, that manly person. Theek hai, ladkiyan bada kehti hain, "Ho, hame bada pasand hai jo bada friendly hota hai, hame flowers la ke deta hai, treat acha chocolate." You can do anything but bore her. That's all I'm gonna say. But don't be an asshole, of course. जिसको मैं अभी cover करता हूँ, मैंने कुछ points बनाए हैं. Let's go over my certain points, ठीक है? अब मैं पता क्यों कहता हूँ कि लड़की को chase नहीं करना चाहिए. Let her be the chaser and not you. Biology के standpoint से देखते हैं. For example, एक बड़ा भालू है, ठीक है, वो छोटे जानवर को चेस करा है खाना खाने के लिए, राइट, जब तुम उसकी डॉक्यूमेंट्री पे वो देखते हो, वीडियो देखते हो, तो तुम्हें ना थोड़ा सा उसके लिए तरस आता है छोटे वाले के लिए, वीडियो से टेरिफाइंग सी वाइब आती है, गंदी वाइब आती है, एंड यू फील सॉरी फॉर द लिटिल वन, राइट, कंपेयर टू व्हेन यू सी दैट छोटी बिल्ली इतने बड़े शेर पे अटैक करी, कभी वो देखिए फनी फनी वीडियो है, ये छोटी जानवर बड़े जानवर के पीछे भाग रहा, दैट सीम्स क्यूट फनी, हा हा हा, सब शेर कर रहे होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट गोज हियर, व्हेन द गर्ल चेजेस द गाय, द बिग ड्यूड, राइट, इट सीम्स फनी, इट सीम्स क्यूट, इट सीम्स ओ माय गॉड इनोसेंट, लेकिन जब बंदा भालू पर चेज कर रहा होता है ना लड़की के, इट्स अनअट्रैक्टिव, इट सेंड्स बैड वाइब्स, आई डोंट नो मुझे क्या ये सोच के बात आई है, बट आई थिंक दिस एनालॉजी रियली वर्क्स, द थिंग इज दैट वुमेन they want to look up to you as the pillar, you know, as the absolute pillar who can move mountains, not look down. ab agar wo tumhe look down karengi, agar wo apne dil mein sochengi ki is bande ka level mere se niche hai, then why would they ever want to be with you? ab tum jo us ladki ki baat kar rahe ho, tum is tarah assume karo na ki tumhara level usse niche hai, theek hai, tum usko look up kar rahe ho, to jab tumne usko woh vibes de di hai ki uska level tumhare se upar hai, then how is she ever gonna look up to you? How is she ever gonna be loving to you, nice to you, you know. Also they like to go with the flow, meaning agar tum aise bande ho na jis pe dusri ladkiyan bhi fida hain, to unko obviously tum zyada pasand aoge. ab wo kahengi nahi nahi hame to ji aisa ladka chahiye, isko koi ladkiyon se dur rahe, bada sharif sa ho, said no woman ever in reality, obviously they're always gonna chat ke piche sari kyun bhagti, kyun pata hota hai this chat is being approved by all other women, theek hai, iski pehle se check mark ki background, iska jo background hai wo check ho chuka hai, theek hai, yeah, we don't need to do any further work, we already know him, that's why women go after celebrities, just like us men, we want the things that we can't have, right? Women ka bhi concept hai, they want the things they can't have. So if you have, if you're a high value person, if you put your purpose first and you're valuing that more, which means you're giving her less time, less energy, tum apni jo value hai jo tumne already de diya 7-8 mahine se, usse agar tum usko kam doge to usko valuable lagegi. Diamond gold kyun valuable hai? Kyunki milta nahi aaram se. Tumne apne aap ko bhi yahi samajhna hai, dimag mein apne purpose ko pehle rakhna, theek hai? Maine pehle bhi ye baat ki hai aur main dobara karta hu, when you treat her like a celebrity, she's gonna treat you like a fan. It's just how it is. Also, it's not women's fault for choosing a high value man, ठीक है, वो उनकी गलती नहीं है, they're designed this way. For example, तुम्हारी अगर कल को बेटी होती है, तुम्हारी बहन होती है, obviously तुम चाहोगे उसकी शादी ऐसे बंदे से हो जो बड़े लेवल का बंदा हो, हाई लेवल का बंदा हो, जिसको मेरी बेटी या मेरी बहन लुकअप करे, obviously, right? You would want that for her. So the same thing, women are not at fault for wanting a better thing. In most cases, they treat men like how men treat jobs, right? तुम्हारी एक job है, for example, मैं काम कर रहा हूँ Facebook के अंदर, hypothetical है, Facebook, I love this company, I love this culture, ठीक है, मेरी team great है, सब कुछ ठीक है, लेकिन Facebook मुझे $100,000 दे रही है, मुझे Google, मैंने apply किया Google पे, मुझे offer आ गई $200,000 की,
Now, the thing is that I don't have any bad vibes from Facebook, right? I had the best team, mera kaam achha chal raha tha, mujhe koi unse masla nahi hai Facebook se, lekin scene kya hai, usse compensation zyada mil rahi hai. So it's nothing personal, I'm just gonna write off my 2-week notice and I'm gonna go to Google because Google is paying me higher. Ye to bahut deep rooted psychology ho gayi jaake, theek hai, lekin kehne ka matlab ye hai, when there is a better option, most likely they're gonna go for it. Haan, dusra ek aur cheez hai, jab tum, you know, when you're around women or whatever, right? Never take disrespect. This is very, very, very important. Always be bold. ठीक है, जो तुम्हें चाहिए, be bold about it. नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह पे जाओ, ठीक है? But never let them disrespect you. Shit test करती हैं औरतें बहुत ज़्यादा, ठीक है? अभी recently मेरे काम पे एक लड़की है जो सबसे बदतमीजी कर रही होती है, argue कर रही होती है, कहती I'm a bad girl. You already know. सबसे बदतमीजी कर रही थी इधर उधर से, मेरे से भी ओके हो रही थी. मैंने उसको चेक कर दिया एक दफा में. मैंने कहा था क्या तुम सबसे बदतमीजी कर रही हो? Like you cannot punch someone and not expect to get hit back, right? It's just how it goes. So, मैंने उसको एक दफा चेक कर दिया, सीधा कर दिया. उसके बाद अब रोज मेरे से इतनी अच्छी तरह नाइस ये वो हे हाय हेलो वगैरह, बट मैं ऑब्वियसली से मुंह नहीं लगाता. But that's the thing, you don't take disrespect ever. मतलब अगर वो तुम्हें गंदा ट्रीट कर रही हैं, तुम्हें अगर सेकंड चॉइस ट्रीट कर रही हैं, फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही हैं ना, तो भाई आगे चलो, तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल, यू हैव टू डू मच ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ, ठीक है? One more point, very important, when you're hanging out with a woman, right? और तुम्हें फीलिंग्स आ रही हैं, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, स्पार्क चल रहा है, एक मंथ या तीन हफ्ते हो गए, ठीक है? डोंट एवर ब्रिंग आउट के व्हाट आर वी, ठीक है? ये तुम एज अ मैन नेवर डू दैट, क्योंकि जब तुमने कह दिया ना कि यार व्हाट आर वी, कैन वी गेट इनटू अ रिलेशनशिप, तुम्हारी वैल्यू नीचे, उसकी ऊपर, एंड शी इज गोना स्टार्ट लुकिंग यू डाउन. अगेन, इट्स नॉट अ वुमन्स फॉल्ट, उनकी गलती नहीं है, इट्स जस्ट अ बायोलॉजिकल थिंग. तुम लोग अब जा जाओगे कुछ लोग कैंसिल करने, नहीं भाई सब कुछ सेम होता है, इन्नी मिनी, भाई यकीन करना कर लो इन्नी मिनी पे, मेरे लिए तो ये काम किया जिंदगी के अंदर. तो आई एम जस्ट सेइंग एज अ बिग ब्रदर गिविंग यू ऑनेस्ट एडवाइस, ठीक है? एंड यू नो व्हाई दैट्स बेनिफिशियल, क्योंकि जब वो ब्रिंग करेगी ना क्वेश्चन के व्हाट आर वी इन अ रिलेशनशिप, देन यू कैन पुट योर रूल्स, ठीक है? कि अगर हम रिलेशनशिप पे रहेंगे तो ये चलेगा इस तरह और ये इस तरह चलेगा, ठीक है? यू कैन नॉट मेक द रूल्स इफ यू आर द वन हु इज एस्किंग. मैं जो ये बातें कर रहा हूँ ना सारी, अभी ये तुम सोचोगे यार ये तो बड़ी डूश बैग वाली ट्रेड है. इट्स अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग अ बैड बॉय एंड बीइंग अ डूश बैग, ठीक है? बैड बॉय इज बीइंग यू केयर अबाउट योर पर्पस मोर बट यू ऑल्सो लव हर अ लॉट. एक दूसरे की थ्रोट में नहीं घुसना, ठीक है? जब मैं अपनी वाइफ फिजा के साथ भी जब हम नए नए मिलते थे, अभी ये सामने बैठी से पूछ लो कितनी दफा मैं तुम्हें मैसेज करता था एक हफ्ते में, शुरू में, बाद में भी, बीच में भी, लाइक शादी में दो बार, हफ्ते में दो बार मैसेजेस, ठीक है? बिकॉज आई डिडंट वांट इट टू रुइन दैट टाइम, राइट? मैं हमें होता था कि जब हम मिलेंगे हफ्ते में एक दो दफा तो हमारी सारी बातें और सारा फ्लो यहाँ पे होगा. हर वक्त मैसेज करता रहता तो कितना एक लाइक राइट बात खत्म हो जाती है. इट बिकम्स अ बिग टर्न ऑफ बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली गिविंग वैलिडेशन एंड टाइम. उसके दिमाग में सबलिमिनल मैसेज आएगा कि यार व्हाट द फक, लाइक ही डजंट हैव अ लाइफ ऑफ हिज ओन, हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ा रहता है. और ये ना करना कि भाई एक और चीज, गाने भेज रहे हो, गा गा के मीम्स भेज रहे हो, लाइक व्हाट द फक यार. मतलब अगर तुम्हारी वैल्यू और लेवल ऊपर होगा ना तो ये तुम्हें बकवास चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? लास्ट मेरा पॉइंट ये, डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ एज एनी लेस, ठीक है? यू आर ऑल्सो ह्यूमन, देयर ऑल्सो ह्यूमन, ठीक है? पॉटी वो भी करते हैं, पॉटी तुम भी करते हो. But that's reality. मैं रियलिटी में रहता हूँ, ठीक है? तो अपने वैल्यू को कम तर ना समझो भाई. मैं कितनी दफा बताऊँ, अपने आप को समझो कि तुम जी हो, तुम चैट हो, ठीक है? बट सिर्फ मैनिफेस्ट और सोचने से नहीं होगा, यू हैव टू टेक सर्टन एक्शन टूवर्ड्स, जिसकी मैंने पहले बात कर ली है. यू आर नॉट एनी लेस एज अ पर्सन, ठीक है? उसको जब पेडेस्टल पे रख दोगे तो फिर पेडेस्टल से ठुड्डे मारेगी तुम्हारे मुंह पे, ठीक है? अपना लेवल बढ़ाओ, इंक्रीज करो, एंड देन इंशाल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा होगा. लेकिन अगर कोई तुम्हारा काम नहीं चल रहा, ठीक है, तो अपनी अम्मी अबू से बात करो, अपनी शादी करवा लो कजन से, वो भी बहुत अच्छा प्लान है. चंगा सा हकीम देख के ना, ठीक है, हाथ पीले कर लो अपने और शादी कर लो किसी शरीफ लड़की से, और यू माइट ऑल्सो फाइंड सेल्वेशन देयर. बट इफ यू वांट टू गो दिस राउट बट यू वांट टू फाइंड ऑन योर ओन, तब थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी भैया. लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हारी अम्मी और अबू ने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ के शादी भी करा ली ना, लेकिन तुम्हें रिलेशनशिप के डायनेमिक्स ना समझ आए, तो कभी ना कभी वो तुमसे जाके बोर हो जाएगी और रात मारेगी तुम्हारी डिक्की में वाइफ होश में. एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप कि आप लोगों को बातें कुछ ज्यादा तलख और दिल पे ना लगी. और औरतों के लिए मैं एक चीज फाइनली कहूंगा, औरतों अगर तुम्हें कोई ऐसा बंदा नजर आता है जो ड्रिवन है, अपने पर्पस पे फर्स्ट रखता है, और ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज लाइफ, ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज सेल्फ फाइनेंशियली, फिटनेस में अपने आपको रख रहा है, तो उस बंदे को जाने ना दो फॉर सम अदर लूजर जो कि अभी म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है, रैपर है, फेमस है, बाद में जाकर उसने तुम्हें छोड़ के चला जाना. बी विद अ फेथफुल मैन ऑल्सो हु बिलीव्स इन गॉड. मैं तुम लोग लेके आऊंगा. इफ यू एंजॉय दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड मोर इंपॉर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना. आई वुड रियली अप्रिशिएट एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट. आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह. कम टू द बैक, गो हैप्पी, गो विद इट.